अस्सलाम वालेकुम गाइस। गाइस आज जो मैं आपके लिए टॉपिक लेके आया हूँ बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आज वीडियो आप पूरी देखते हैं तो एटलीस्ट जो आपका इंटरव्यू होता है रिटन इंटरव्यू और जो फेस टू फेस इंटरव्यू होता है उसमें 3 to 4 क्वेश्चन ऐसे इसमें कवर हो जाएंगे जो आप कहीं पे भी जब एज अ हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफिसर या हेल्थ एंड सेफ्टी सुपरवाइजर इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो आपका वो 3-4 क्वेश्चन जो है वो इसमें क्लियर हो जाएंगे। सो आज मैं बात करूंगा गार्ड रेल सिस्टम के बारे में। गार्ड रेल सिस्टम, सो इसमें हमें क्या डिस्कस करना है? सबसे पहले डिस्कस करना है कंपोनेंट्स। गार्ड रेल सिस्टम के कंपोनेंट्स कितने होते हैं, उसके बाद हम डिस्टेंस भी चेक करेंगे, इनका डिस्टेंस कितना होना चाहिए, और उसके बाद हम बात करेंगे इसका लोड बैरिंग कैपेसिटी। ये मैं आपको बताऊंगा एज पर CSM जो है सऊदी अरब का कंस्ट्रक्शन सेफ्टी मैनुअल है, उसके अकॉर्डिंग में आपको आज ये क्लियर करूंगा आपका कंसेप्ट। सबसे पहले अगर डेफिनेशन देखते हैं गार्ड रेल सिस्टम है क्या। गार्ड रेल सिस्टम एक फिक्स्ड सिस्टम होता है जो डिफरेंट कंपोनेंट्स से मिलके बनता है, और ये इसका बेनिफिट क्या होता है, जब वर्क एट हाइट पे हम काम करते हैं तो वहाँ पे इसकी ज़रूरत पड़ती है। जब हम 1.8 मीटर या 6 फीट से अबव वर्क करते हैं तो वहाँ पे गार्ड रेल सिस्टम मस्ट इंस्टॉल करना चाहिए। ये क्या करता है कि जो फॉल प्रोटेक्शन है, मीन्स जो पर्सन जो वर्कर वर्क फोर्स हमारी वो वर्क एट हाइट पे काम कर रही है उसको फॉल होने से बचाती है, और सेकंड जो है मटेरियल जो है वहाँ पे हमारा मटेरियल या टूल्स वगैरह स्टोर है उनको भी फॉल होने से बचाती है। सो सबसे पहले बात करते हैं कंपोनेंट्स की। कंपोनेंट्स कितने होते हैं इसके, इसमें फोर मेन कंपोनेंट्स हैं। सबसे पहले क्या है, ये आता है टॉप रेल, इसके बाद मिड रेल, इसके बाद आता है टॉप बोर्ड एंड ये जो होती है हॉरिजॉन्टली, ये जो है इसको बोलते हैं स्पोर्ट। सो ये फोर थिंग्स होती है कोई भी जो हमारा गार्डरेल सिस्टम होता है उसमें। सो अगर हम बात करते हैं डिस्टेंस की, डिस्टेंस कितना होनी चाहिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, अक्सर इंटरव्यू में पूछा जाता है, मीन्स टॉप रेल का डिस्टेंस कितना होनी चाहिए जो वर्किंग प्लेटफॉर्म है या जो सर्फेस है उससे, या फिर मिड रेल का या टॉप बोर्ड की कितनी हाइट होनी चाहिए। सो उसी से बात करेंगे। जो टॉप रेल होता है हमारा टॉप रेल, इसका डिस्टेंस जो होता है यहाँ से लेके सर्फेस से लेके यहाँ तक, ये होना चाहिए 38 इंच से लेके 45 इंच तक ये डिस्टेंस होना चाहिए फ्रॉम सर्फेस टू टॉप। ये जो है अभी मिड रेल का जो है, ये मिड रेल जो है ये इसका जो डिस्टेंस है सर्फेस से लेके यहाँ तक, जो मिड रेल का डिस्टेंस होता है ये होता है 18 इंच से 22 इंच, या जितना भी हम टॉप रेल की हाइट रखते हैं उसके मिडल में होना चाहिए, ये इसका डिस्टेंस होता है। अभी टॉप बोर्ड क्या है, इसका जो है डिस्टेंस या इसकी जो हाइट रहती है वो होनी चाहिए मिनिमम 4 इंच जो है इसकी मिनिमम होनी चाहिए, या 6 इंच, नॉर्मली 6 इंच यूज करते हैं लेकिन मिनिमम जो है वो 4 इंच इसकी हाइट होनी चाहिए टॉप बोर्ड की। अब इनके फंक्शन क्या है, जो टॉप रेल है, टॉप रेल एंड मिड रेल जो है ये क्या करते हैं, ये पर्सन जो है वर्कर जो है हमारे हाइट पे काम कर रहे हैं उनको फॉल होने से प्रिवेंट करते हैं, फॉल होने से बचाते हैं इनको जो पर्सन वहां पे काम करते हैं। विटो बोर्ड जो है ये क्या करता है, जो हमारी टूल्स है, टूल्स और मटेरियल, ये उसको फॉल होने से बचाता है, इनका मेन फंक्शन यही रहता है। अभी क्या है, बात करते हैं इनकी लोड बैरिंग कैपेसिटी के बारे में, लोड बैरिंग कितना लोड बैरिंग कर सकते हैं। अभी टॉप रेल की अगर बात करते हैं, टॉप रेल जो है ये 90 kg और 200 pound इतना लोड बेयर कर सकता है, मीन्स कोई भी पर्सन जो है उसका वेट जो है वो इतना बेयर कर सकता है 90 kg तक। अभी इसके बाद करते हैं, ये मिड रेल जो है ये भी सेम ही है इसका, और टॉप बोर्ड जो है ये कितना लोड बेयर करता है, ये 23 kg और 50 pound लोड बेयर कर सकता है। सो गाइस ये था आज का टॉपिक, होपफुली आपको अच्छा लगा होगा, क्योंकि अक्सर जब भी आप इंटरव्यू पे जाते हैं तो आपसे ये पूछा जाता है कि टॉप रेल कितना लोड बेयर कर सकता है, ये उसका डिस्टेंस कितना है, इसी तरह टॉप बोर्ड के बारे में पूछा जाता है। सो एक और मेन चीज़ है वो क्या है, ये जो स्पोर्ट है वर्टिकल स्पोर्ट जो होती हैं ये, इनका डिस्टेंस कितना होना चाहिए, इसका इनका डिस्टेंस इन बिटवीन जो है वो 2.5 मीटर या 8.2 फीट इतना डिस्टेंस होना चाहिए, इससे ज़्यादा डिस्टेंस
नहीं होना चाहिए। सो गाइज होपफुली आज का टॉपिक जो है आपको अच्छा लगा होगा। अगर आप मेरी वीडियो पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें, ताकि मैं आइंदा भी आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियोस लेके आऊँ।